डॉक्टर डिस्कॉम में हमने टारगेट दिया था कि हर एन अपने सब डिविजन के अंदर 100 मिनिमम 100 पौधे लगाएगा। तो सभी जगह आज ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है पूरे डिस्कॉम के अंदर। जिले के विभिन्न जीएसएस पर सघन वृक्षारोपण कर 25,000 पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ। AVVNL के MD NS निर्वाण ने पुष्कर जीएसएस पर पौधारोपित कर अभियान किया शुरू। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जिले के विभिन्न जीएसएस पर सघन वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ शनिवार को तीर्थ नगरी पुष्कर स्थित IPDS के जीएसएस कार्यालय में वृक्षारोपण के साथ किया गया। इस दौरान अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक NS निर्वाण द्वारा पौधारोपित कर इस व्यापक अभियान की शुरुआत की गई। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक निर्वाण ने बताया कि सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत प्रत्येक जीएसएस पर 100 वृक्ष लगाने का लक्ष्य दिया गया है। कुल मिलाकर पूरे अजमेर क्षेत्र में 25,000 पौधों को लगाकर उनकी देखभाल की जाएगी। निर्वाण ने बताया कि आज के बदलते पर्यावरण परिप्रेक्ष्य में वृक्षारोपण बेहद जरूरी साबित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे में वृक्षारोपण के साथ जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से ही अजमेर डिस्कॉम में 25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान विद्युत विभाग पुष्कर के सहायक अभियंता विकास शर्मा, विभाग के जनसंपर्क अधिकारी भानु प्रताप गुर्जर, सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश कुड़िया सहित विभाग से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। हमने डिसाइड किया था कि पूरे डिस्कॉम के अंदर 25,000 पौधे हम लगाएंगे, तो उसी पे वर्क करते हुए आज हमने यहाँ पर पुष्कर के अंदर हमने पौधे लगाए यहाँ पर। और पूरे डिस्कॉम में हमने टारगेट दिया था कि हर एन अपने सब डिविजन के अंदर 100 मिनिमम 100 पौधे लगाएगा। तो सभी जगह आज ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है पूरे अजमेर डिस्कॉम के अंदर, और दिन में अभी हमारे पास रिपोर्ट भी आ जाएगी, लगभग 25,000 पौधे या उससे ज़्यादा हम पौधे लगाएंगे ताकि पर्यावरण को इसमें राहत मिले।